बच्चों, आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का देने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बुक 1। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे देखिए चार स्टेटमेंट हैं, इन्हें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। चाइनाज एसेशंस टू WTO, सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द EU 1992, बर्थ ऑफ द ARF यानी एशियन रीजनल फोरम। तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लगाएंगे। सबसे पहले 1957 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी। उसके बाद नंबर टू, 1992 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन बना था। उसके बाद नंबर थ्री में बर्थ ऑफ ARF यानी एशियन रीजनल फोरम 1994 में बना था, और चाइना एसेशंस टू WTO 2001। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। कौन से नेशन ने, किस कंट्री ने ओपन डोर पॉलिसी फॉलो की थी? ऑप्शन ए चाइना, जापान, इंडिया, USA। ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने शुरू की थी, ये 1978 में शुरू की थी। क्वेश्चन थ्री, रशिया वाज द डैश पार्ट ऑफ द फॉर्मर USSR, जो पहले 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था। उस समय USSR, जो पहले वाला USSR था, रशिया उसका पार्ट था। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉल या नन ऑफ द अबाउट, रशिया पहले वाले USSR का सबसे बड़ा पार्ट था, सबसे ताकतवर पार्ट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द एम ऑफ यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश इन 1992 में, यूरोपियन यूनियन बनी थी तो नीचे लिखो में से कौन सा इसका एम नहीं था। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एम था, कॉपरेशन ऑन जस्टिस पर एम था, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी बनाने का इनका एम था, लेकिन कॉमन होम पॉलिसी इनका एम नहीं था। क्वेश्चन फिफ्थ, डैश इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वेस्ट एशिया इन द टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री वेस्ट एशिया की मोस्ट एडवांस कंट्री है? ए ईरान, बी इराक, सी इजराइल, डी रशिया। तो वेस्ट एशिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो एडवांस कंट्री है वो है इजराइल। क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन सिक्स्थ एमसीक्यू, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, इंडिया नीचे लिखो में से किसका मेंबर है? WTO, ब्रिक्स, सार्क, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया ऑल द अबव का मेंबर है, यानी इंडिया WTO का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, और सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। तो इंडिया इन सभी का, ए बी सी सभी का मेंबर है। क्यू, विच टू कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नीचे लिखो में से कौन से दो कंट्री ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है? फ्रांस एंड ब्रिटेन, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान, इंडिया एंड चाइना। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन। क्वेश्चन एट, विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है? ऑप्शन सेकेंड नंबर पे चाइना, इंडिया, रशिया, यूके। अब इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है तो सेकेंड नंबर पर चाइना है। क्वेश्चन नाइन, द हेड क्वार्टर ऑफ द NDBR एक्ट, हेड क्वार्टर NDB का कहाँ है? NDB मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? जोहेनेसबर्ग, शंघाई, ब्राजील एंड गोवा। तो इसका राइट आंसर है शंघाई। NDB का हेड क्वार्टर शंघाई में है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS,
CMS की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, चाइनीज मॉडर्न कंपनी, कंट्रोल्ड मिलिट्री कंपनी या नन ऑफ द अबव। तो CMS की फुल फॉर्म है सेंट्रल मिलिटरी कमीशन। क्वेश्चन 11 MCQ, डैश वाज द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एस्टेब्लिश टू गिव, जो बनाई गई थी टू गिव इकोनॉमिक एड टू द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री को आर्थिक सहायता देने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज को आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल मदद करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन OECC, यूरोपियन यूनियन, एशियान या नन ऑफ द अबव। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को इकोनॉमिक एड देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी OECC बनाया गया था। अब एसर्शन रीजन है, पहला एसर्शन रीजन है, एसर्शन है द साउथ एशियन कंट्रीज फॉर्म द एशियान, साउथ एशियन कंट्री ने एशियान बनाया था। रीजन द यूएस एंड चाइना प्ले एन इंफ्लुएंशियल, यूएस एंड चाइना ने प्ले एन इंफ्लुएंशियल रोल साउथ एशियन पॉलिटिक्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो यहां पर ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है कि साउथ एशियन कंट्रीज ने एशियान बनाया था, ये गलत है, लेकिन आर ठीक है कि यूएस एंड चाइना प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स में अपना प्रभावी रोल अदा किया था, ये ठीक है। सेकेंड एसर्शन रीजन, एसर्शन है इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स विजिट ईच अदर विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, भारतीय और चाइनीज लीडर अक्सर फ्रीक्वेंसली एक दूसरे की कंट्री में विजिट करते रहते थे। रीजन है इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। तो एसर्शन रीजन में यहाँ बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सच है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एसर्शन में इंडियन और चाइनीज लीडर एक दूसरे की कंट्री में विजिट कर रहे थे, तो रीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया था, इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों सेंटेंस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन वन, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद एशियान, यूरोपियन यूनियन को एशियान से कंपेयर करो। क्वेश्चन टू, यूरोपियन यूनियन इज हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही प्रभावी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन, रीजन दे करके आप प्रूफ करो। एक्चुअली इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था, करेंसी बदल दी थी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में काफी रिफॉर्म किए थे। क्वेश्चन थ्री, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द एशियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एशियान ने अपने आप को मजबूत करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए थे। क्वेश्चन फोर, डिस्क्राइब द फोर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के, चार मेजर ऑब्जेक्टिव बताओ। क्वेश्चन फिफ्थ, नेम एनी टू फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान, एशियान के दो फाउंडिंग मेंबर के नाम बताओ। एक्चुअली एशियन अगस्त 1967 में बनी थी, इसके दो मेंबर बताने हैं बट मैं आपको पांच बता रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड चाइनाज एडॉप्शन ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ इकॉनमी, क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे कि चाइना ने सोवियत मॉडल ऑफ इकॉनमी को अडॉप्ट किया था। विच थ्री वेज वाज चाइना बेनिफिटेड बाय इट, तीन ऐसे कौन से तरीके थे जिससे चाइना को फायदा हुआ था। क्वेश्चन सेवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज एनी फोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज इकॉनमी, चाइनीज इकॉनमी के राइज होने के पीछे कौन से फोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। और पहला था मेजर पॉलिसी डिसीजन इन द 1970 में, चाइना ने बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन अडॉप्ट किए थे। बी था फोर मॉडर्नाइजेशन, चार उसने आधुनिकीकरण चार बातों में किया था 1973 में, ये काम जाओ एलाई ने किया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री में। सी ओपन डोर पॉलिसी 1978 में चाइना ने स्टार्ट की थी, ये डैंग जियोपिंग ने स्टार्ट की थी, इसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए डोर खोल दिए थे कि कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है।
और डी प्राइवेटाइजेशन 1982 में चाइना ने पहली बार 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया था। तो ये चार ऐसे तरीके थे जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी राइज हुई थी, चाइनीज इकोनॉमी बढ़ गई। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द मार्शल प्लान? मार्शल प्लान क्या था? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश अंडर मार्शल प्लान, में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? मार्शल प्लान अमेरिका ने 1948 में स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल एड यूरोपियन यूनियन को आर्थिक सहायता देने के लिए, ताकि यूरोपियन यूनियन अच्छे से डेवलप हो सके। क्वेश्चन 9, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी। चाइना की ओपन डोर पॉलिसी 1978 में चाइना ने स्टार्ट की थी, और इसके लिए उसने फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस स्टार्ट किया था, एक्सपोर्ट एम्पोर्ट को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई टू रीजन्स विच वर द एक्चुअल बेसिस इफ द बॉर्डर कंफ्लिक्ट बिटवीन इन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इशू इन, ये जो दो रीजन थे जिसकी वजह से एक्चुअल बेसिस में बॉर्डर कंफ्लिक्ट हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना में, वो थे बॉर्डर इशू अरुणाचल प्रदेश में एंड अस्काई चिन इन लद्दाख में। ये दो ऐसे बेसिक रीजन थे, ऐसे दो क्षेत्र थे जहाँ पर चाइना ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की। क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द फोर सिंबल्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन लुक लाइक अ नेशन स्टेट। चार ऐसे सिंबल बताने हैं जिससे ये पता चलता हो कि यूरोपियन यूनियन एक नेशन स्टेट, एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनकर सामने आया। एक तो यूरोपियन यूनियन ने कॉमन पासपोर्ट स्टार्ट किया कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो पासपोर्ट कॉमन रहेगा। फ्लैग उन्होंने अपना नया बनाया, एंथम, नेशनल एंथम, कॉमन करेंसी यूरो स्टार्ट की। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाई। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान? एशियान के मेन ऑब्जेक्टिव यानी मेन उद्देश्य क्या थे? क्वेश्चन 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एशियान का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही नहीं था। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। एशिया ने ना केवल अपनी यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की, बल्कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी किया। क्वेश्चन 14, व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन एक हाईली इन्फ्लुएंशियल, एक हाईली प्रभावी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना? एक तो उसने अपना नया फ्लैग बनाया यूरोपियन यूनियन ने, नेशनल एंथम, अपनी करेंसी यूरो, पूरे यूरोप में यूरो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा, ब्रिटेन फ्रांस न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री बन गई, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में उसने अचीवमेंट हासिल की, मिलिट्री के अंदर आज वो नंबर सेकंड पर है। क्वेश्चन 15, इन व्हाट वेज डज द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी डिफर फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी? जो आज प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी है वो कमांड इकोनॉमी से कैसे डिफरेंस है? कमांड इकोनॉमी उसकी पुरानी इकोनॉमी थी जो वो सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन आज प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट करके इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ चुका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका काफ़ी बिलियन डॉलर में होता है। 16, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एशियन विजन 2020? एशियन विजन 2020 के कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तीन कंपोनेंट हैं। एक तो है स्टेबल, प्रॉस्पेरियस एंड हाईली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन एशियान की बन गई है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्होंने काफ़ी हासिल किया है। प्रेजेंट रिसोर्सेज को वो बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रहें। तीसरा कंपोनेंट है रीजन ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब उन्होंने शांति, सुरक्षा और स्थिरता हासिल कर लिया है। क्वेश्चन 17, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन कम्युनिटी। पहले पिलर्स, ऑब्जेक्टिव इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पिलर्स हैं इसके तीन, द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी जो सुरक्षा स्थापित करती है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो आर्थिक विकास
इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो सामाजिक और सांस्कृतिक कम्युनिटी है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करती है लोगों में। क्वेश्चन 18, द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड इंडिया। आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ग्रेट पोटेंशियल टू चैलेंज द यूनिपोलर वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। डू यू अग्री, एक्सप्लेन। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज 59 पर एक पिक्चर बनी हुई है। उस पिक्चर को आप देखोगे, आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देगी। उस पिक्चर से रिलेटेड तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, विच कंट्री डज द कार्टून रेफर टू। वो कार्टून जो पेज 59 पर है वो किस कंट्री को रेफर कर रहा है, वो चाइना को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन बी, विच पार्ट ऑफ दिस कार्टून इज रिलेटेड टू चाइना। ये कार्टून चाइना को किस पार्ट से रिलेट कर रहा है, ये ड्रैगन है एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ड्रैगन जिस तरीके से बढ़ता जाता है, चाइना की ग्रेट वॉल एक सिंबॉलिक फिगर बनी हुई है। ये वॉल बड़ी होती चली जा रही है, इसका मतलब है चाइना डेवलप करता जा रहा है। क्वेश्चन सी, एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्टून। इस कार्टून पर बेसिस करके चाइना की स्ट्रेंथ बताओ, चाइना की मजबूती बताओ। द राइज ऑफ चाइना एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। आज चाइना बढ़ता बढ़ता अपने इकोनॉमिक पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि चाइना फॉलोड इट्स ऑन पथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। आज उसने मार्केट इकोनॉमी के रास्ते को चुना है जो कि उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आज इंटरनेशनल मार्केट में वो पूरी तरह से सभी वर्ल्ड की कंट्रीज को टक्कर दे रहा है। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद चाइना आज तक नहीं रुका और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नंबर वन पर है। स्टूडेंट, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, एनसीक्यूज, एसर्शन रीजन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। इसके बावजूद भी आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ना है। इससे और भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे और भी काफ़ी बारीक छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। आप उन सब पर फोकस रखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस भी देखते रहिए अरोड़ा कोचिंग, और उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।